नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। वीडियो की शुरुआत आज इस सुंदर से सफेद गुड़हल के फूल के साथ। आज मैं आपको ऐसे एक पौधे के बारे में बताऊंगी जिसका नाम तो शायद आप सबने सुना होगा, लेकिन देखा होगा या नहीं ये पता नहीं। तो बिल्कुल वो मौसम आ गया है दोस्तों जिसमें हम कोई भी कटिंग लगा सकते हैं या फिर कोई भी पौधा हम नर्सरी से नया ला सकते हैं, जिससे कि इस मौसम में सभी के चलने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। तो हम जितनी भी हो सके कटिंग लगाएं, जितनी हो सके नए पौधे लगाएं और बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ भी होती है इस मौसम में, क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है और बारिश के मौसम में ज़्यादातर सभी पौधे जो होते हैं उनकी जो हम कटिंग वगैरह या फिर हम नए खरीद कर लाते हैं तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए दोस्तों, ये है वो पौधा जिसकी मैं बात कर रही थी, दिख गया होगा आपको, जो लोग जानते होंगे तो पहचान भी गए होंगे। ये है छुई मुई का पौधा, इसको लाजवंती भी बोलते हैं, लेकिन सादा जो भाषा में तो इसको छुई मुई बोलते हैं। हम तो छुई मुई बोला करते थे इसको बचपन में, हम इसके साथ बहुत खेले हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है ये वाला पौधा। और एक खेल की तरह भी इसको बहुत खेला करते थे इसके साथ, बच्चे भी इसके साथ बहुत खेलते हैं और बड़े भी। आप देख सकते हैं इसको ऐसे ऐसे टच करते हैं, देखिए इसकी पत्तियां एकदम से बिल्कुल मुरझा जाती हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जैसे भी मैं इसको टच करूंगी और बिल्कुल इसकी पत्तियां एकदम से सिमट जाती हैं। देखिए सारी इसकी पत्तियों को ऐसे छुएंगे तो देखिए कैसा हो गया है, बिल्कुल बहुत मन लगता है इसके साथ खेलने में, तभी इसका नाम छुई मुई है। जैसे इसको छूते इसकी पत्तियां देखिए कैसे लटक गई हैं। और इसको मैं अभी जैसे इधर उधर निकली हूँ तो जहां भी मुझसे टच हो जाता था वहीं से ये मुरझा जाता था, लेकिन 15-20 मिनट बाद फिर से ये बिल्कुल सही हो जाती हैं पत्तियां। देखिए ऐसे इनको छुओ तो एकदम से मुरझा जाती हैं, देख रहे हैं आप, लटक जाती हैं। बहुत ही अच्छा ये पौधा लगता है और खेल के लिए तो ये है ही बहुत ही अच्छा। बचपन में तो हम बहुत इसके साथ खेलते थे और अब भी बहुत मन लगता है इसके साथ ऐसे इसको टच करने में। लेकिन इसके आयुर्वेदिक लाभ भी बहुत हैं दोस्तों, जैसे कि किसी को खांसी वगैरह है तो इसकी कहते हैं कि इसकी जड़ों को ही ऐसे गले में बांध लो, थोड़ा सा ऐसे किसी भी धागे में उसको लगाकर, तो कितनी भी पुरानी खांसी हो वो ठीक हो जाती है। और भी इतने आयुर्वेदिक इसके लाभ हैं कि आप सोच नहीं सकते, आप देख सकते हैं आप गूगल पे चेक कर। तो बहुत ही अच्छा ये पौधा है और साथ के साथ आयुर्वेदिक लाभ के साथ साथ बहुत अच्छा खेलने का भी पौधा है। तो आज मैं इसको इसकी कोई ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती और बहुत ही आसानी से किसी भी मिट्टी में चल जाता है और बहुत फैल जाता है। मेरा ये बहुत बड़ा हो रहा था तो इसलिए मैंने कट कर दिया इसको, यहाँ से काटा है और एक ब्रांच और नीचे से काटी है, पूरा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होकर ये फैल रहा था तो मैंने इसे थोड़ा छोटा कर दिया है। और उसकी जो कटिंग निकाली है मैं सोच रही हूँ उसको कटिंग से मैं और प्लांट बना लूँ एक दो और आपको भी दिखाऊंगी इसको कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं। बहुत ही आसान है ये और मौसम क्योंकि चल रहा है बारिश का तो ऐसे मौसम में कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है, तो जितना हो सके हम कटिंग इन मौसम में लगा सकते हैं बारिश के मौसम में, कोई इसमें ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, बस एक बार इस पौधे को लगा दो आराम से चलता रहता है। बहुत ही अच्छा पौधा है, किसी ने इसका नाम छुई मुई सही रखा है, बिल्कुल छूते ही मुरझा जाता है ये प्लांट। और मैं आपको बताती हूँ उसको कटिंग से कैसे हम लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसकी जो कटिंग निकाली थी ये रही, देखिए कितनी बड़ी इसकी ब्रांच हो रही थी ये, तो हम इसकी नीचे से जो ये ब्रांचेस को काट लेंगे इसकी डंडी को। कटिंग ज्यादा बड़ी ना लगानी नहीं चाहिए, हमेशा
ज्यादा से ज्यादा 6 इंची की कटिंग ही लें, इसको नीचे से सही तरह से काट लेंगे, इसको जो इसकी डंडियां जो निकल रही हैं इनको काट देंगे, इसके पत्ते जो इन्हें हटा देंगे हम। बरसात के मौसम में कोई भी कटिंग को ग्रो करना बहुत ही आसान है दोस्तों, तो आप आराम से कोई भी, अगर आपको ये पौधा कहीं दिखे तो आप इसे इसकी कटिंग आराम से लगा सकते हैं, और आपके पास अगर कोई पाउडर वगैरह हो, फंगिसाइड हो, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। वैसे इसकी जो कटिंग है वो ऐसे ही बहुत ही आसानी से चल जाती है, कोई इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। देखिए इसको मैंने ऐसे ही मिट्टी में लगा के दबा दिया, और जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो एक कटिंग ना लगाएं, कम से कम 3-4 कटिंग तो लगाएं ही। जब हम 3-4 कटिंग लगाएंगे तो उनमें से 1-2 कटिंग तो हमारी जरूर चली जाएगी, क्योंकि कटिंग हमेशा कुछ ज्यादा ही लगानी चाहिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हमने एक कटिंग लगाई तो वही हमारी चल जाएगी। किसी भी चीज से आप ऐसे छेद भी कर सकते हैं, किसी कैंची से, पेंसिल से, और ऐसे करके इसको दबा दें। तो कई कटिंग लगाते हैं तो हमारा जो कटिंग का, हमारा जो हमने मेहनत की है तो हमें उसका कटिंग ज्यादा चलने का भी ज्यादा चांस रहते हैं, कि कई कटिंग लगाते हैं तो उसमें से 2-4 कटिंग तो हमारी चलेंगी। इस तरह से हम इसकी कटिंग लगा दें, और लगाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी देंगे। जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं तो उसमें एक बार पानी देने के बाद फिर उसमें ज्यादा पानी ना दें, सिर्फ मिट्टी में नमी बनी रहे, ऐसा हम ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा हमारी नम रहे और पानी ज्यादा ना हो। बस थोड़ा सा छिड़काव कर दें उस पर, थोड़ा थोड़ा, तो मिट्टी में नमी रहे और पानी ना दे ज्यादा, तो उससे हमारी कटिंग अच्छे से चलती है, और जो हमारी जो जड़े हैं वो इसकी बनने से पहले वो खराब नहीं होती हैं। ज्यादा पानी से जो हमारी जो ये कटिंग होती है वो गल जाती है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के साथ ही इसकी कटिंग लग गई है, और इसमें कोई इतने ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। छुई हुई का पौधा, इसकी पत्तियां देखिए आप इसकी पहचान अच्छे से कर लें कैसा होता है ये पौधा। आपको कहीं दिखे तो आप इसकी कटिंग आराम से ला पाए। देखिए इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसी के साथ ही हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।